लोकसभा चुनाव के बाद जिस इनेलो को कांग्रेस खत्म पार्टी मान रही थी, अब वही पार्टी कांग्रेस के लिए मुसीबत बनते दिखाई दे रही है। इस मुसीबत का आधार है इनेलो का बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन। इस गठबंधन की गांठ को अभय सिंह चौटाला ने दो दिन पहले ही बसपा सुप्रीमो मायावती के साथ मिलकर बांध दिया है। इस गठबंधन के होने के बाद हरियाणा में सत्ता में आने के दावे करने वाली कांग्रेस के लिए मुसीबत पैदा हो सकती है। अब आप सोच रहे होंगे, ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या समीकरण हो जाएंगे जिससे कांग्रेस के लिए मुसीबत पैदा हो जाएगी। दरअसल अगर आप लोकसभा चुनाव में देखें तो कांग्रेस की 5 सीटें लाने में जाट और दलित वोट बैंक के एक साथ मिलने से भाजपा को बड़ा नुकसान हुआ और कांग्रेस को 5 सीटें मिल गई। कांग्रेस के संविधान बचाओ अभियान ने दलित वोट बैंक को कांग्रेस के साथ जोड़ने का काम किया, जिसके वजह से चुनाव परिणाम कांग्रेस के पक्ष में आ गए। बहुजन समाज पार्टी, जिसका प्रभाव दलित वोट बैंक पर ज्यादा है, उसका अब इनेलो यानी अभय सिंह चौटाला के साथ गठबंधन कांग्रेस के साथ गए वोट बैंक को रोकने का काम करेगा, जिससे कांग्रेस को बड़ा नुकसान तो होगा लेकिन ऐसी स्थिति में भाजपा को फायदा हो सकता है। किसानों के लिए अभय सिंह चौटाला द्वारा उठाए गए कदमों से जाट वोट बैंक उनके साथ जा सकता है और अगर दलित वोट बैंक उनके साथ जुड़ गया, इनेलो को बड़ा फायदा की आस है। बहुजन समाज पार्टी के साथ समझौते से अभय सिंह चौटाला को बड़े फायदे की संभावना है, तो वहीं कांग्रेस को बड़ा घाटा उठाना पड़ सकता है। दरअसल अब अभय सिंह चौटाला हरियाणा कांग्रेस से इंडिया गठबंधन में शामिल होने के दौरान पैदा किए गए अवरोध का बदला भी लेना चाहते हैं और इस गठबंधन से अभय सिंह चौटाला एक पंथ दो काज कर देंगे। अभय सिंह चौटाला की रणनीति को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, हमें अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।